हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे सुपर लोक गीत चैनल में। दोस्तों कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको बहुत ही खास लक्षणों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर साइड में बेल आइकन बटन को प्रेस करें मेरी आने वाली प्रेगनेंसी से रिलेटेड नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। गाइस होता क्या है, जब भी आप माँ बनती हैं ना, और आपके अंदर एक जिज्ञासा होती है ये जानने की कि हमारे एक बेटा होगा या बेटी होगी। दोस्तों हर किसी के साथ होता है, मेरे साथ भी यही था। तो आप ना पड़े पड़े बस यही जिज्ञासा करते रहते हैं, यही देखते रहते हैं कि कोई कुछ बताता है, आप उसको फॉलो करने लगते हैं। जैसे हमारे अक्सर बूढ़ी बुजुर्ग महिलाएँ, दादी नानी हमें बताया करती थी, या आस पड़ोस से भी आप सुनते हैं तो आप उन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हैं कि हाँ ये लड़का होने का हो सकता है, ये लड़की होने का लक्षण हो सकता है, इसको करके देखें। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ लक्षण हम आज आपको बताने वाले हैं, और काफ़ी हद तक सही भी रहते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि सही नहीं रहते हैं। तो ऐसे ही हम आपको चार निशानी बताएंगे जिससे आप पूरी तरह से कन्फर्म कर सकते हैं और मन की तसल्ली कर सकते हैं। दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि हम बेटा बेटी में भेदभाव करना सिखाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, हमारे लिए दोनों ही बराबर हैं। तो आइए जान लेते हैं पहले लक्षण के बारे में। दोस्तों अगर आपको आपके जो हाथ हैं बहुत ज़्यादा रूखे से रहने लगे हैं और फटे फटे से रहने लगे हैं और काले पड़ गए हैं, आपके हाथों की नस दिखने लग गई हैं, तो ये एक बेबी बॉय होने की निशानी मानी जाती है, यानी कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। तो गाइस अगर आपके हाथ बहुत ज़्यादा मुलायम हो रहे हैं, या फिर बहुत सुंदर दिखने लगी हैं हथेलियाँ, या आपको गोरापन एकदम से दिखने लगा है, या आपको जैसे चर्बी सी आ जाती है, हाथ पैर मोटे हो गए हैं, तो दोस्तों ऐसा माना जाता है ये लड़की के टाइम पर ये लक्षण देखा जाता है। दूसरे लक्षण की बात करते हैं। दोस्तों अगर आपको आलस बहुत ज़्यादा आता है, नींद बहुत ज़्यादा आती है, आप कुछ पढ़ रहे हैं और आप सो जाती हैं, या आप बैठे हैं टीवी देख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो आपको एकदम से नींद आने लग जाती है और आप सो जाती हो, पता ही नहीं लगता, ये लगता है बस पड़े रहें पूरे दिन, सोते ही रहें, तो आपको नींद से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया, तो ऐसा माना जाता है ये लड़की होने का लक्षण होता है। इसके अपोजिट गाइस अगर आपको रात में आपकी नींद खुल जाती है और आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर भी आपको चिड़चिड़ापन नहीं होता, आपको नींद नहीं आती है, बहुत कम सो पा रहे हैं आप रात को भी 2-4 घंटे ही सोते हैं, तो आपको काम में बहुत ज़्यादा मन लगता है, तो ऐसा माना जाता है ये लड़का होने का लक्षण होता है। आइए दोस्तों और बात करते हैं एक और सही लक्षण के बारे में। अगर दोस्तों अगर आपके हाथ पैर, आपके नाखून जो हाथ पैर के हैं वो आपके पीले पड़ने लगे हैं या टूट बहुत ज़्यादा रहे हैं, तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि ये बेटा होने की निशानी होती है। इसके अपोजिट दोस्तों अगर आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो ये लड़की होने का लक्षण माना जाता है। एक और लक्षण की बात करते हैं। दोस्तों अगर आपको घी में से बदबू आती है, या तड़का लगाते हो उसमें से स्मेल आती है, या फिनाइल, परफ्यूम, नील पॉलिश वगैरह इनमें से बदबू आती है, स्मेल अच्छी नहीं लगती है, तो दोस्तों ये लड़का होने का साइन माना जाता है। लड़का होने पे ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। तो दोस्तों अगर आपको भी ऐसे लक्षण नज़र आ रहे हैं तो आप भी समझ सकते हैं, कन्फर्म कर सकते हैं कि आपकी जो आने वाली संतान है वो एक लड़का ही पैदा होगा। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको कितनी अच्छी लगी है, कितने आपके ऊपर सिम्टम्स जो फिट बैठे हैं, ये तो आप ही हमें बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के आप हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें भी पता लगे कि कितने सही साबित